आम खबर से आपको आगाह करेंगे। रियासत मुखालिफ तकरीर का केस है जिसमें लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबादुल हक, क्या तफसीलात हैं? अदालत ने मरियम औरंगजेब को आज कल ये तलब किया था और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, लेकिन अदालत में वो पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने उनके पेश ना होने के उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी कर दिए। इसी मुकदमे में शरीक मुल्ज़िम जावेद लतीफ उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, लेकिन वो आज अदालत में पेश हो गए, जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी तो मंसूख कर दिए, लेकिन मरियम औरंगजेब के पेश ना होने पर इनके वारंट जो हैं वो जारी कर दिए हैं और मुकदमे पे मजीद कार्रवाई जो है वो 9 दिसंबर तक मुलतवी की। मजीद कार्रवाई 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इबादुल हक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।